हेलो एंड वेलकम बैक करें, क्या हाल है तो सभी का, देखिए फिर से स्वागत है सभी का एक न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो यार, हमेशा तो मैं तुम्हें दो गेम प्ले वीडियोज दिखाता हूँ एक वीडियो के अंदर, बट आज का जो वीडियो है ना, इसमें तुम्हें एक ही गेम प्ले देखने को मिलेगा, बिकॉज ये वाला गेम प्ले काफी इंटेंस वाला होने वाला है और इसमें चिकन भी होगा और मतलब फाइट भी काफी इंटेंस वाली होने वाली है। तो यार वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, बिकॉज ये वाला गेम प्ले भी यार काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। अब देखो मैच के अंदर गाइस, मैं उतर तभी थर्ड लीग के अंदर, यहाँ पे मतलब बंदों की बात करूँ ना तो तुम्हें भी यार गन साउंड्स वगैरह आ रहे होंगे, मतलब बहुत बंदे आए यहाँ पे। और उतरते मेरे को एक बंदा ऑफलाइन भी मिला था, उसका किल मैं यहाँ पे मतलब उठा लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ लूट वगैरह करने के लिए। लूट भी यार अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब हेलमेट के अलावा भाई सब कुछ मिला था। और भाई यहाँ पर आने के बाद हेलमेट भी मेरे को मिल जाता है, और जस्ट सामने मतलब कुछ यहाँ पे मेरे आसपास यहाँ पे फाइट वगैरह हो रही है दो स्क्वाड के बीच में। तो भाई यहाँ पर बारी होती है थर्ड पार्टी करने की। अब ग्रेनेड से देखो एक बंदा नोक होता है, एक बंदा फिनिश होता है। भाई इस बंदे ने लिटरली मेरे एक दो केल यहाँ पे चोरी कर लिए। अब इस वाले बंदे को जैसे ही फिनिश करता हूँ ना, अब लूट वगैरह कर ही रहा था तभी देखो मेरे को यहाँ पे नीचे की साइड से एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं। पंजी भाई साहब इसको रिवाइव दे रहे थे, इसी के साथ देखो इन दोनों बंदों को मैं यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। और फिनिश करने के बाद अब वापस से मैं यहाँ पे जैसे ऊपर की साइड जाता हूँ ना, अब देखो मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि शायद और भी बंदे होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो सारे बंदे खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि गन साउंड्स काफी सारे बंदों के आ रहे थे यहाँ पे, मतलब सिर्फ यहाँ के बंदे खत्म, मतलब सामने वाले अभी भी नहीं हुए थे। तो यहाँ से मैं लूट कर ही रहा था तभी देखो एक और बंदे के पुश्ते बात है। अब यार पहले मेरे को लगा शायद बंदा वगैरह होगा जो कि लगभग यहाँ पे थर्ड पार्टी हुई थी, इसमें से एक बंदा बच गया होगा, बट ये वाला भी एक बोर्ड होता है, इसको भी यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अब उसके बाद अब मेरे को लगा शायद लेफ्ट वाले बंदे अभी भी बचे हुए, तो यहाँ पे स्केटिंग करके मैं उनके पास जाने ही वाला था, मतलब वहाँ पे अगर बंदे होते तो भाई उनसे फाइट लेने वाला था। तभी देखो सामने मेरे को एक बगी स्पॉट होती है, पहले मेरे को लगा शायद वहाँ से मतलब बंदा तो निकल चुका है, सिर्फ बगी है भाई, मतलब बंदा बगी लेके निकल नहीं वाला था। और भाई स्प्रे लग जाता उसको, मतलब तीन एमओ लगी वो भी हेड के साथ, एंड इसको नॉक करता हूँ। अब देखो फटाफट से इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ, और भी कोई मतलब बंदा मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा था, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पुश्ते वगैरह नहीं आ रहे थे मेरे को, तो शायद से यहाँ पे थर्ड हिल पूरा क्लियर हो चुका था। तो भाई यहाँ से देखो लूट वगैरह करने के बाद मैं आगे की साइड आता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सामने की साइड मेरे को कुछ गन साउंड्स वगैरह आ रहे थे। इसमें से सामने पहले तो मेरे को कुछ बोर्ड स्पोर्ट होते हैं, अब यहाँ पे तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना तो भाई यहाँ पे मतलब सामने की साइड से देखो M4 का स्प्रे आ रहा है, मतलब किसी बंदे ने किसी बोट को मारा है। तो भाई मैं उसी के चक्कर में यहीं पे आया था, बट मेरे को कुछ बोट मिलते हैं। अब बंदा देखो सामने पेट्रोल पंप की साइड, मतलब उसी साइड से गन साउंड्स आए थे मेरे को। अब यहाँ से ऊपर में जाने की बजाय मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि भाई चलो वहां पे जाया जाए जहाँ पे मतलब बगी वाले बंदे को मारा था ना भाई, उसकी मैं बगी उठाता हूँ, उसके बाद भाई अब जाता हूँ मैं वहां पे। अब बगी लेके मैं जा रहा था, पहले तो मैं अपने नोक वाले बंदे को फिनिश करता हूँ और यहां से जा ही रहा था, तभी देखो मेरे को एक बंदे की यहाँ पे फूस्टे बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे रुकता हूँ देखो सामने एक बंदा है और फटाक से वो बंदा लेट गया सामने। अब बंदा देखो बंदा तो साथ सामने की साइड जो कि साथ से वहां पे लेटा हुआ था। अब पहले मैंने सोचा कि ग्रेनेड करता हूँ, अब फिर मेरे ध्यान में आता है भाई बंदा जादूगर होगा तो मतलब वो लेट के इतनी स्पीड से जाता ना कि मेरे पीछे की साइड भी आ सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बगी घुमाया जाए। अब लिटरली यार बंदा यहीं पे लेटा हुआ होता मैं इजीली इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ और भाई फटाफट से यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता। फिनिश करने के बाद अब पहले तो ऐसा लग रहा था शायद इसके बंदे यहाँ पे आसपास होने चाहिए, पर देखो यहाँ पे अकेला बंदा होता है, इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर भी इसका कोई भी टीममेट वगैरह नहीं होता है। तो बगी लेके मैं ऐसे जा रहा था, देखो राइट की साइड ना एक यूजर तुम्हें दिखेगी, मतलब यहाँ पे कुछ ना अभी भी फाइट हुआ था। अब जैसे यहाँ से जा रहा था जे वाले भाई साहब मिल जाते हैं,
अब उसको देखो मैं यहाँ पे नॉक कर लिया था। यहाँ पे देखो रेड जॉन भी होता है और यूजेड भी जली हुई थी, मतलब यहाँ पे फाइट भी हो रही थी। साइंसेस के टीममेट भी यहाँ पे आसपास होने चाहिए। और ये बंदा पता नहीं कैसे फिनिश नहीं हो, मतलब नॉक के ऊपर से मैंने इसके बगी निकाला है, बट उसका किल मेरे को नहीं मिलता। मैं वापिस से जाता हूँ और तभी यहाँ पे मतलब खतरनाक सा यहाँ पे रेड जोन था, तो सोचा कि भाई पहले कवर में जाता हूँ, वरना भाई रेड जोन का और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग ही है। अब कवर में आने के बाद अब यहाँ पे मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, मतलब स्कोप वगैरह लगाने के बाद, बट भाई बंदा थोड़ा जादूगर होता, मतलब स्पीड तो तुमने देखा ही होगा, तो वहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं था। तो भाई बाकी लेकिन मैं वापस ढूंढने के लिए जाता हूँ, बट भाई यहाँ पर नहीं तो मेरे को वो नोक वाला बंदा मिलता है और नहीं भाई उसके कोई टीममेट वगैरह मिलते हैं मेरे को। और जैसे मैं थोड़ा आगे की साइड जाता भाई उस वाले बंदी का किल भी मेरे को यहाँ पे मिल जाता, मतलब शायद से उसका टीममेट वहाँ पे था नहीं, तो भाई उसका किल उठाने के बाद अब आगे लेके देखो मैं बंदों को ढूंढ ही रहा था और जॉन भी ओल्ड मिशन के साइड ही बना था। फिलहाल सामने की साइड देखो मेरे को कुछ बोर्ड फायर वगैरह आ रहे हैं, तो भाई पहले तो मैं इन वाले बोट्स को यहाँ पे फिनिश करता, मतलब एक बोट को तो भाई बोट नहीं मार दिया, मतलब दूसरे का किल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद अब लगभग देखो जॉन की सारी मतलब जगहों को मैंने देख लिया, मेरे को कहीं भी बंदा वगैरह नहीं मिला था एंड सिवाय एक ओल्ड बेसिन के। तो भाई यहाँ पे मैं जाने ही वाला था ओल्ड बेसिन की साइड, फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर पीछे की साइड देखा जाए एंड वहाँ पे देखो सामने तुम्हें एक बंदा स्पॉट होगा। और ये बंदा लिटरली इतना डैमेज होता है ना भाई, फिर से दो एमो रजिस्ट हुआ, मतलब पता नहीं यार बंदा मरा नहीं, एंड वो बंदा ना भाई पेड़ के कवर की साइड चला जाता है। तो भाई यहाँ पर पहले तो मैं भी यहाँ पे कवर की साइड आ जाता हूँ, लेकिन अच्छी लोकेशन में आता हूँ ताकि भाई उसका भी स्प्रे मेरे ऊपर ना पड़े। और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे देखो लेट के मैं काफी देर तक बंदे का वेट करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत मतलब बंदा भागने के ट्राई कर मैं नॉक करूँ, पर देखो वो बंदा वहां से हिलता ही नहीं है। तो भाई मैंने सोचा चलो मैं ही चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो आता हूँ गाड़ी के पास, अब यार ओल्ड वेसिन में भी कोई भी बंदा वगैरह नहीं था और सर्कल भी इतना छोटा हो चुका, मतलब अभी भी काफी बंदे बचे हुए हैं। फिलहाल देखो सामने मेरे को एक बगी स्पॉट होती है और देखो तुम ये वाला स्प्रे, भाई एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, देखो दूसरे का मेरे को नोटिफिकेशन आता है रेड जोन का। हाँ मेरे को लगा शायद बंदा यहाँ पे रेड जोन से नॉक हुआ, बट भाई उस बंदे ने जो वेयर है उसके ऊपर से बगी उड़ाई है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। फिलहाल पहले तो यहाँ पे नॉक वाले बंदे के पास जाता हूँ। अब जैसे फिनिश करता हूँ देखो इसका टीममेट होता जो कि ऊपर की साइड उस बंदे का स्प्रे दे रहा था, तो पहले तो मैं फिर से यहाँ पे कवर में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब हील कर तो देखो सामने मेरे को बंदा स्पॉट होता है, मतलब भाई क्या ही लेटा हुआ था। तो भाई इसको भी मैं इजीली नॉक एंड फिनिश करता हूँ। इसका जो टीममेट था ना वो गया था मतलब वेरा उसकी साइड, तो भाई अब मेरे को वहीं पे जाना था। अब गाइड लेके जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ देखो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो रहा था, मतलब दो बंदे थे ऊपर की साइड। ये भाई साहब नीचे कूदते हैं, इसको मैं इजीली नॉक करता हूँ, इसका टीममेट था ऊपर की साइड। अब यहाँ पे जैसे मैं ग्रेनेड कूक करता हूँ भाई बंदा नीचे कूद जाता है। हाँ पहले मैंने सोचा कि चलो इसको ग्रेनेड से मारते हैं, बट यहाँ पे देखो कोई भी एंगल वगैरह नहीं बन रहा था और भाई इजीली फिनिश करता हूँ। और हाँ काफी सारे बंदे ये भी बोल रहे थे भाई तुम G3 यूज करते हो, तो देखो इस वाले मैच में मैंने G3 बिल्कुल भी यूज नहीं किया। फिलहाल देखो सामने बंदा, अब यहाँ पे देखो ये वाला बंदा है ना ऊपर जाता है। अब ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड से बंदा बच जाता है बिकॉज ये वाला बंदा ना सीढ़ियों के ऊपर ही होता है। और भाई इसी ग्रेनेड के साथ इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे इजीली फिनिश कर लेता हूँ एंड अब बचा था लास्ट वाला बंदा। अब काफी सारे मैचेस में मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मैं जैसे आखिर वाले बंदे को फिनिश करता हूँ ना तो जो भी लास्ट में बचता है वो बहुत ही निकलता है, पर देखो कुछ मैचेस में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज दो तीन दिन में मैं ऐसा ही सीन देख रहा हूँ, जो भी लास्ट में बचता है वो रियल बंदा ही होता है। अब जैसे यहाँ पे जॉन में आता हूँ ड्रॉप लूट ही रहा था, देखो स्प्रे पड़ता है मेरे को। मतलब बंदा दिखता है मेरे को सामने,
सो गाइस यही था हमारा आज का गैम प्ले। गैम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गैम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।